brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. के चुनाव से पहले अगर मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बोलकर नरेंद्र मोदी का मजाक नहीं उड़ाया होता तो क्या पता राजनीति कुछ और होती। मोदी ने चाय वाले मुद्दे को ऐसा लपका कि आज तक किसी को भूलने नहीं देते कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालांकि इसके लिए उन्होंने कभी चाय बनाई तो कभी किसी जमाने पर चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रम जरूर करते थे। चाय से मोदी का प्रचार होता है, राजनीति से चाय ऐसी घुल मिल गई है, ये रिस्क तो ममता बैनर्जी भी समझती होंगी, लेकिन मजबूरी ऐसी कि उनको भी चाय की टपरी पर जाना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने चाय बनाते चाय सर्व करती पश्चिम बंगाल के पावरफुल सीएम की तस्वीरें वायरल की है। जनता के जनार्दन बनने का समय आ चुका है, बड़े बड़े नेता मिलने आ रहे हैं, झुक कर सलाम नमस्ते कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं और जाते जाते वोट मांग रहे हैं। ममता बैनर्जी भी इसी मिशन पर है। जलपाईगुड़ी में तूफान से तबाही हुई, ममता बैनर्जी नुकसान का जायजा लेने पहुंची, कोई चुनाव कार्यक्रम नहीं किया, लोगों से मिलती जुलती रही, चालसा इलाके से गुजरी तो दिख गए चाय बगान दिखे, ममता बगान में चली गई, शौकिया चाय की कुछ पत्तियां तोड़ी, मजदूरों से गपशप करके निकली तो चाय के टपरी पर चाय बनाने लगी, अपनी बनाई चाय खुद भी पी और औरों को भी पिलाई। बंगाल में चुनाव का कार्यक्रम थका देने वाला है। 19 अप्रैल से 1 जून तक यानी कि सातों फेज में बंगाल में कहीं न कहीं चुनाव हो रहा होगा। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चुनाव में ममता चैन से बैठ नहीं सकेंगी। ममता के लिए चुनाव में चाय से दोस्ती प्रचार की थकान मिटाने से ज्यादा मजबूरी बन गई है। असम और बंगाल देश के दो ऐसे राज्य हैं जहां हरी हरी पत्तियां से भरपूर चाय बगान है और चाय बगान से जुड़े से लोग बड़ा वोट बैंक है। जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, दार्जिलिंग, रायगंज लोकसभा की इन कई सीटों में चाय की बहुत खेती होती है। इसे बंगाल का चाय बेल्ट भी कहते हैं। करीब 30 लाख स्थायी मजदूर बगानों में काम करते हैं। बंगाल सरकार से 370 चाय बगान रजिस्टर्ड है। चाय बगान के मोहल्लों में कभी लेफ्ट का एक छात्र होता था, लेकिन लेफ्ट की विदाई के बाद भी तृणमूल लेफ्ट की जगह नहीं ले सकी। बीजेपी ने तेजी से असर बढ़ाया, ममता ने चाय बगान की मजदूरी बढ़ाने, जीवन बेहतर करने की कई योजनाएं शुरू की, घर बनाने की भी बड़ी योजनाएं, चाय सुंदरी ऐसी ही योजना है। उत्तर बंगाल ममता बनर्जी के लिए नासूर की तरह है, जहां लोकसभा की 8 सीटें आती है। बंगाल में 2011 से ममता बनर्जी का राजपाट है, लेकिन उत्तर बंगाल में तृणमूल का जनाधार छितरा हुआ है। बीजेपी ने तेजी से बेस बनाया है। 2014 से बीजेपी धमाके कर रही है। 2019 में उत्तर बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटें जीत ली। मालदा दक्षिण कांग्रेस ने जीत ली, तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने जोरदार वापसी की, उत्तर बंगाल की 42 में से 25 सीटों पर तृणमूल की जीत हुई। 2019 के लोकसभा के बाद 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमजोर हुई। अभी ये सस्पेंस है कि लोकसभा चुनाव में पलड़ा किसका भारी रहेगा। सुवेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उत्तर बंगाल मोदी का गढ़ है, 2014 से पीएम मोदी के पक्ष में है। उत्तर बंगाल में मोदी के लिए बड़ा प्लान तैयार है, जिसकी टक्कर में ममता को उत्तर बंगाल के चक्कर बनाने पड़ रहे हैं। ममता इससे भी कम तंग नहीं हुई कि चुनाव का ऐलान होने के बाद मोदी बंगाल में 4-4 रैलियां कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगले 4-5 दिनों में उत्तर बंगाल में मोदी की कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और बालूरघाट में रैलियां होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम।